हेलो ऑल ऑफ यू, पिछला सारा आप लोगों ने कर लिया है। लाइंस एंड एंगल्स का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नंबर सिस्टम का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कोई चीज़ आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं उस तरीके से उसमें कुछ और भी हेल्प करना चाहूँगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक है, सैम्पल पेपर है, आप लोग सब कुछ बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने में कोई बुराई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस होगा, ठीक। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का वो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ओके। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन, वैसा एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, उसमें क्या होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक। जिसको वेरिएबल्स को हम लोग इनडिटर्मिनेट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट्स, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट्स। एंड कोफिशियंट्स, उसमें क्या क्या हो, वेरिएबल हो, कोफिशियंट हो, और दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। देख लीजिए, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या उसमें ऑपरेशन हो सके, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। उस जब हम लोग पॉलिनोमियल कोई बनाएंगे तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिशन से बन सकता है वो पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन से बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन से बन सकता है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल x है, उसमें x पॉलिनोमियल ऑफ x लिख रहे हैं, ठीक है, उसका वेरिएबल क्या है, x है, तो इसका जो इन एक्सपोनेंट का जो पावर, इसका जो पावर होना चाहिए एक्सपोनेंट का, वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। यानी पावर क्या हो सकता है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा या जीरो होना चाहिए। ये बात क्लियरली समझ में आया, ठीक। जो भी वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नंबर्स या जीरो, ठीक, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक। लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि जो पावर हो वो नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं द एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कि जो पावर है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ओके। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। पॉलिनोमियल का बहुत यूजेस भी है हमारे लाइफ में, ठीक, हमारे लाइफ में इन द सेंस कि कैलकुलस में यूज़ है, और भी बहुत जगह है जहाँ पे पॉलिनोमियल का यूज़ है, ठीक। तो हायर क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल का क्या क्या यूज़ है, ठीक, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे पॉलिनोमियल क्या क्या हो गए तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ये देखिए, 6x, 6x क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, यानी कि ये किसका पॉलिनोमियल है, 6x क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, पॉलिनोमियल ऑफ x। बात समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे 6y लिख देता तो क्या हो जाता, ये पॉलिनोमियल ऑफ y हो जाता। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप चढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा वेरिएबल ऑफ x है, ये वेरिएबल ऑफ y है, ओके, ठीक। उसके बाद और इस एक्सपोनेंट में, इस
वेरिएबल का इसमें क्या पावर है, x का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, है ना। यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे y का पावर क्या है, 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। यही ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक। और भी कुछ चीज़ देख लीजिए, सपोज 6 ले लीजिए, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें वेरिएबल नहीं है, तो मैं कहूँगा कि वेरिएबल है। देखिए 6 × x⁻⁰, किसी भी चीज़ का पावर जीरो क्या होगा, 1 होगा, यानी x का पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1। यानी मैंने क्या बोला था अभी आपसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बात क्लियरली समझ में आई, अब धीरे धीरे लग रहा है कि आप लोग समझेंगे, ठीक। तो यानी कि 6 1 बोल दूं, ये भी पॉलिनोमियल है, 10 बोल दूं, ये भी पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स। क्लियरली समझ में आया, ठीक। एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 6x² + 5x + 9, ये भी पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ कौन सा है, x है। देखिए सब पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आया। अच्छा एक और टर्म लिखता हूँ, इसको रब करूँ, ठीक। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखिए ये भी पॉलिनोमियल है, किसका, पॉलिनोमियल ऑफ x। बात समझ में आ रहा है, ठीक। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक। अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूं कि 6 का पावर -1 + तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आ गया। बात समझ में आया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात क्लियरली समझ में आई। अच्छा अगर ये मैं बोल दूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। बात समझ में आ रहा है। अगर ये मैं बोल दूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, 1/2 है। फ्रैक्शन हो सकता है, बस इतना ध्यान देना है कि जो भी चीज वेरिएबल का पावर हो वो नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो या जीरो हो सकता है, तभी हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। बात क्लियरली समझ में आया, ठीक है, ठीक। अब पॉलिनोमियल्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब मेनी टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स का क्या मतलब है, टर्म्स का क्या मतलब है, ये देखते हैं। टर्म्स का मतलब, जैसे कुछ एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। टर्म्स क्या है, जैसे कि अगर हम लोग एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x³ + 5x² + 4x + 9, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। किसका पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, x यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये किसका पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक। ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x मैंने लिख दिया, ओके, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। टर्म्स का मतलब देखिए, ये है हमारा टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म। बात समझ में आया, क्या है ये सब, टर्म्स है, ओके। तो इस पॉलिनोमियल में पूछेगा कोई कि कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4, कितने टर्म है, 4 टर्म का ये पॉलिनोमियल है, 4 टर्म्स। बात समझ में आया, टर्म्स क्लियर हुआ कि टर्म्स क्या होता है, ठीक है, ये बात समझ में आया। दूसरा
अगर मैं लिख दूं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है। बात समझ में आया? इस कितने टर्म का पॉलिनोमियल है? 1, 2, 3, 3 टर्म का पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? टर्म्स क्लियर हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल में कोफिशियंट पे। हमने जो डिफिनेशन लिखा था उसमें कोफिशियंट भी यूज किया था, तो कोफिशियंट पे आते हैं। ठीक है, कोफिशियंट्स क्या होता है? द कॉन्स्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशियंट। द कॉन्स्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशियंट, यानी कि कॉन्स्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द वेरिएबल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशियंट कहेंगे। जैसे कि अगर मैं 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिखता हूं पॉलिनोमियल ऑफ x, तो मैं पूछूंगा कि इसमें x का कोफिशियंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द वेरिएबल। तो रिलेटेड टू द वेरिएबल क्या है? प्लस 6, यानी कि 6 इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं पूछता हूं कि इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एक्स का कोफिशियंट क्या है, कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है एक्स का? 5। बात समझ में आ रहा? ठीक, अगर मैं पूछूंगा कि एक्स की पावर 0 का कोफिशियंट क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? x की पावर 0 यही ना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही हमेशा x की पावर 0 हो सकता है, यानी कि 3x का पावर 0 ये है ये टर्म। तो देखिए कितना कोफिशियंट है इसका, 3। बात समझ में आया? क्लियरली समझ में आया ये बात, कोफिशियंट का क्या मतलब हुआ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे x की पावर 5 का कोफिशियंट क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 7। अगर मैं बोलूं कि x क्यूब का कोफिशियंट क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? -4। अगर मैं बोलूं x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2। अगर मैं बोलूं x की पावर 0 का कोफिशियंट क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 9। बात क्लियर समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो कोफिशियंट उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कोफिशियंट देखते समय साइन भी इंक्लूड किया जाता है, आप लोग को पता है। देख लीजिए, अभी मैंने बताया इसमें कि देखिए माइनस था तो मैंने माइनस बोला, -4। ठीक है, ये प्लस का था तो मैं बोल नहीं रहा था प्लस। ठीक, ये बात इतना क्लियरली समझ में आया? ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी तक पॉलिनोमियल क्या है, टर्म्स क्या है, और फिर कोफिशियंट पढ़ा। ठीक, अगर मैं बोलूं कि अगर एक एग्जांपल दे दूं कि फाइंड द, ये जैसे अगर दे दूं √2t³ प्लस 5t⁴ प्लस -8t फिर प्लस 9। मैं इसमें बोलूं कि इसमें जो वेरिएबल t है, इन सब में इसका कोफिशियंट बताइए, सब में। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कोफिशियंट ऑफ, दिख रहा है ना, कोफिशियंट ऑफ t का पावर 4, क्या कोफिशियंट है t के पावर 4 का? हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे, 5 है। कोफिशियंट ऑफ t का क्यूब कितना है? √2। कोफिशियंट ऑफ t कितना है? -8। कोफिशियंट ऑफ t का पावर 0 कितना है? 9। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होता है, फिर पढ़ा हमने कोफिशियंट, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे।